हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मेरे दोस्तों, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे और अपना अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है ना कि आपके घर वाले आपकी तारीफ करें, आपको अच्छा अच्छा बोले, आपके लिए हर जगह आपके लिए बहुत अच्छा सोचे। बहुत अच्छा लगता है। यही चीज़ मैं जब देखती हूँ, मेरी भी मम्मी है, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलती है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। और वैसे ही मैं देखती हूँ दीपिका जी की भी जो मम्मी है, जो उनकी सास है, तो वो भी उनकी बड़ी ही तारीफ करती है। कहीं भी जाती है तो उनके लिए इतना अच्छा बोलती है। और सच में दीपिका जी सच में बहुत अच्छी इंसान है, तो उनके लिए अच्छा बोलने से तो अच्छा है ही, और अच्छे के लिए अच्छा बोलो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कल मैंने एक वीडियो मैंने देखा जिसमें सब शॉपिंग करने गए हुए थे, दीपिका जी और शोएब भाई और उनके फैमिली सब थे। और वहीं पे किसी ने पूछा कि उनकी मम्मी से, उनकी सास से, एक्चुअली मैं अपनी सास को मम्मी मम्मी बुलाती हूँ, इसीलिए मेरी आदत हो गई है कि सास को मम्मी बुलाना। तो मैं दीपिका जी की सास को भी मैंने दीपिका जी की तरफ से ही मम्मी बोल दिया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि वो मैं उनकी सास के बारे में बात कर रही हूँ। तो एनीवेज मैं वो बोलना चाहती हूँ कि मैंने कल के वीडियो में देखा कि दीपिका जी की सास ने दीपिका जी के लिए कहा किसी रिपोर्टर को कि हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है और मैं जब तक जीऊँगी इस दुनिया में तब तक मैं इसके लिए हमेशा अच्छा ही बोलती रहूँगी कि ये बहुत अच्छी है, इंसान है और कितना अच्छा अच्छा हम लोगों ने किया है। तो ये सब सुन के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि किसी सास के मुँह से किसी बहू के लिए तारीफ सुनना बहुत कम होता है। ये आप भी मानते होगे ना कि आप घर घर में, आप जितनी भी देख लो, सास बहू में या तो झगड़े होते हैं या तो सास बहू में कुछ ना कुछ खटपट, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये कभी बहू बोलती है मेरे बेटे, आपके बेटे ने ये किया, वो किया, जो भी, मतलब मेरे साथ ये सब होता ही नहीं है, इसलिए मेरे मुंह में ये सब बोली आ ही नहीं रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोलूँ, बट मैं आपको सिंपली एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बहू अच्छी है, सास भी अच्छी है। और मेरे यहाँ भी हम दोनों, मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों भी सास बहू हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं। और वही सेम चीज़ मैं दीपिका जी के साथ भी देखती हूँ, वो लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई कचर मचर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा से होता है। तो ये सब चीज़ देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर घर में आजकल लड़ाई झगड़े ये सभी हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत पता नहीं कहाँ खो सा गया है। तो ये प्यार मोहब्बत बरकरार हर घर में ऐसे ही रहे जैसे मेरे घर में है, जैसे दीपिका जी के घर में है, तो ये मुझे, मैं दुआ करूँगी भगवान से कि हर एक घर में, जैसे कि दीपिका जी की सास दीपिका जी के लिए बड़ाई करती है, मेरी मम्मी भी मेरे लिए बोलती है, तो हर घर में हर बहू के लिए हर सास अच्छाई बोले। और हर बहू को बोलूँगी कि वो भी अपनी सास के संग बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि वो भी किसी की मम्मी है, अपनी मम्मी बना के रखो तो तुमको भी प्यार मिलेगा और वो भी तुमको प्यार करेगी। तो ठीक है, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मैं फिर कल मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।